शिव एवं पार्वती के विवाह को दक्षिणी पर्वतों से महामुनि अगस्त्य ने देखा था। कई ज्ञानियों एवं महामुनियों का कहना है कि वो आज भी विश्व शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। समय परिवर्तन के अनुसार उस महामुनि अगस्त्य के तपस्या को भंग करने की आवश्यकता आन पड़ी। मिल गया माँ का आशीर्वाद मुझे पूर्ण रूप से मिल गया। तुम्हें जो चाहिए मांगो। मेरी जीत हो। मैं पहली बार राजनीति में उतरा हूँ। हर इलाके से मेरे साथी जीतने चाहिए, इसलिए जनता मेरी तरफ हो जाए, ऐसा कुछ करो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हर दिशाओं में तुम और तुम्हारे साथियों की जीत होगी, लेकिन उसके लिए क्या बलि? बोलो कितने लोगों का सर चाहिए? 24 घंटों में तुम्हारे पास ले आऊंगा। फल फूल चाहिए या खून चाहिए? बोलो, मैं तैयार हूँ। बेटा, अराजकता नहीं, सात्विक मार्ग पर चलो। गांव के पश्चिम में माता का एक मंदिर खंडर हो गया है, उसकी मरम्मत करवा कर उस पर कलश की स्थापना करके पूजा करना होगा। जैसे ही माता की पूजा होगी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे राज्य मिले उसके लिए, दुर्गा माँ काली को प्रसन्न करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर ये पूजा ठीक से संपन्न हो गई तो इस देश का राजमुकुट तुम्हारे सर पर होगा। विजय भव, विजय। अरे ठेकेदार, तुम कितने दिन काम कराओगे, कितने लोगों से काम लोगे, ये मैं नहीं जानता। पैसों की मुझे परवाह नहीं। चुनाव होने से पहले दुर्गा माँ काली की मंदिर में पूजा करानी है। आप चिंता मत कीजिए, मंदिर को पूरा करना मेरा फर्ज है। पूरा नहीं किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए मुनीम, मेरी तरफ देखो। पैसों को ही घूरे जा रहे हो? ये सब बड़ी मेहनत से लोगों से ऐठा पैसा है। ये देवी माँ की अमानत है, भगवान के लिए चुराना मत, पूरा खर्च करना। तुम्हें निकालकर तुम्हारा ये मंदिर बनवाया है। बस मेरी इतनी विनती है कि अभी जो चुनाव हुए उसमें मैं और मेरे सभी साथी अपने इलाके से जीतकर नई सरकार बनाएं। मैं जीतते ही तुम्हारे प्रांगण में आऊंगा। कृपा करो माँ, कृपा करो। जय दुर्गा माँ काली। सूचना दे दी? दुर्गा माँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी भक्ति का तूने ये कैसा उपहार दिया। तू प्रसन्न हो इसलिए करोड़ों रुपए खर्च करके तेरा मंदिर बनवाया, लेकिन तूने मेरी इच्छा पूरी ना करके मेरा अपमान किया। तूने मेरे साथ जो धोखा किया है उसका बदला लिए बिना मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा बदला पूरा होने तक मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा और ना ही इन गांव वालों को तेरी पूजा करने दूंगा। अब इस गांव में तेरी पूजा कभी नहीं होगी। ये इस भवानी प्रताप की सौगंध याद रखना। ए हरिया,
मुझे जीत का आश्वासन देकर मेरी दौलत लुटवाने वाला वो मंत्रवादी कहाँ है? ओ महाचंडी। भवानी प्रताप, गुस्सा मत हो, जल्दी मत करो। हार गए इसलिए गलत फैसला मत लो, शांत हो जाओ। कैसे शांत रहूं? मंदिर बनाने के लिए जो करोड़ रुपए खर्च किए, उसी करोड़ रुपए को मैं गरीबों को बांट देता तो आज मैं जीत जाता। भगवान के नाम पर लोगों को ठगने वाले तुम जैसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। भवानी प्रताप, तुम्हारी हार मेरी हार है। तुम्हारा जो अपमान हुआ है वो मेरा अपमान है। मैं सात्विक राह पर चलना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। अब धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। वेद का उच्चारण करने वाली अगवान अब शैतान को बुलाएगी। गायत्री मंत्र जपने वाला मैं तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करूंगा। असुर शक्ति गंड असुर को फिर से इस संसार में लाऊंगा। आज के बाद इस संसार को मैं अपने तंत्र मंत्र से जीत कर तुम्हें दिखाऊंगा। जीत इसकी होगी या गंड असुर की, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आओ, मेरा विश्वास करो, चलो। मैं तुम्हारी बातों से पहले ही लुट चुका हूं, अब मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? ये क्या लंबा तगड़ा आदमी 5 सेकंड में गायब हो गया? आ जाओ। हार मास का आदमी कैसे गायब हो गया देखा? यही मंत्र शक्ति की महिमा है। अच्छा, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। मुझे जीतने के लिए क्या करना होगा बोलो। ओम कंडासुरा नमः। इस जगह से 48 मील दूर कमख्या जंगल में एक देवी है जिसने कई हजार साल पहले हमारे असुर कुल के सरदार गंड असुर का वध किया था। उसी देवी के चरणों में गंड असुर का सर एक यंत्र के रूप में दबा है। उस यंत्र को इस स्थान पर लाकर जहां गंड असुर का वध हुआ था वहां पे 9 मंडल तक अष्टकर्म पूजा की जाए तो वो शक्ति तुम पा सकते हो। वेद प्रकाश, अगर मेरे भाग्य को बदलने की शक्ति उस यंत्र में है तो मैं अभी जाकर उस यंत्र को ले आता हूँ। तुम जैसे सोच रहे हो वो यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं है। कामक्या माता बहुत उग्र है, समय देखकर ही तुम्हें वहाँ जाना होगा। ठीक है, कब जाना चाहिए तुम ही बोलो। ओम गंडासुराय नमः। आने वाली 13 तारीख रविवार के दिन शाम के 6 बजे अमावास लगेगा जो रात 12 बजे तक रहेगा। उस समय मंदिर में कोई नहीं होगा, मां ध्यान में होगी। उस समय तुम वहां जाना। जब तुम वहां पहुंचोगे तब मेरी मंत्र शक्ति के कारण सारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम हिम्मत से जाकर वो यंत्र ले आना। तुम्हारे लिए मैं यहां पूजा करता रहूंगा। जाओ, हिम्मत से जाओ। ओम गंडासुरा नमः। ईश्वर, Come on!
इस यंत्र को रखकर मैं जो अष्ट पूजा करूंगा उसके कारण तुम पूरी दुनिया पर राज करोगे। ओम गंडासुर। क्या माता? मां मेरी बात मानिए, मां आवेश त्यागें, कुपित ना होइए। आवेश त्याग कर शांत हो माते। आपका क्रोध जगत सह नहीं पाएगा। मां संसार में दुष्ट शक्तियां सर उठा रही हैं, उनका विनाश किए बिना मैं चुप नहीं रहूंगी। यदि इसी कुपित मुद्रा में आप जाएंगी तो उस गांव के हजारों जीव जंतु काल का ग्रास बन जाएंगे। माँ आप जिस तांत्रिक का वध करने जा रही हैं, हजारों वर्ष पूर्व शिव से वरदान प्राप्त करने वाले शिव के परम भक्त गंडासुर को पुनः जीवित करने वाला है। उसकी कुंडली में लिखा है जब उसकी राशि में शनि प्रवेश करेगा तब उसका वध आपके हाथों से ही होगा। विधि के बनाए विधान तक आपको शांत रहना होगा। मैं काल भैरवी हूँ, अधर्म का नाश करने के लिए मेरे लिए ही काल निश्चित है। माते ये कलयुग है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर आप उसका अंत करें यही नियति है। सर्वशक्तिमान कामाख्या माता हैं आप, मानव रूप धारण करने पर मनुष्य के सभी सुखों और दुखों को आपको सहना पड़ेगा। आज तक आप मनुष्यों की परीक्षा लेती थी किंतु अब मनुष्य आपकी परीक्षा लेंगे, यही कलयुग है। मां यह ध्यान में रखकर अपनी शक्तियां त्याग कर धर्म के लिए यदि आप अवतार लेंगी तो शुभ रहेगा। हे मां आप इस जगत में निसंदेह कहीं भी रहें किंतु हर पौर्णमी को इस मां दुर्गा काली के मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन अवश्य दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य तिरोहिणी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? ओह मैं क्या करूँ, मेरा बेटा उल्टियाँ कर रहा है। अरे रे क्या हो गया? अरे बिटिया क्या हो गया तुम्हें? पिताजी चक्कर आ रहे हैं। अरे मेरी बिटिया को हर्जा हो गया। हे भगवान। ओम गंडासुर। जा रहे हैं आप लोग? अरे कहाँ बताऊँ बहन, कल रात से बच्ची को उल्टियाँ हो रही है इसलिए हम लोग इसे लेके सरकारी अस्पताल जा रहे हैं। आप लोग चिंता काहे करते हैं, मैं भी एक वैद्य हूँ, इस बीमारी को दूर करने वाली एक शक्तिशाली दवा हमारे पास भी है। अरे बहना क्या कह रही हो तुम? मैं जो चरणामृत दे रही हूँ वो ले लीजिए, सब बीमारी दूर हो जाएगी। अरे कौन है ये बहन, इससे पहले तो कभी देखा नहीं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका विश्वास बेकार नहीं जाएगा। आ,
मेरी बेटी ने आंखें खोल दी, मेरी बेटी बच गई। माँ बेटा, मेरे बेटे ने आंखें खोल दी, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा बच गया। मेरी बेटियां बच गई, मेरी बेटियां बच गई बहन जी। हमारे बच्चों की रक्षा करने वाली आप कोई साधारण महिला नहीं है, हमारे लिए आप साक्षात देवी का रूप बनकर आई हैं। आप कौन है माँ? मेरा नाम कामख्या है, गांव सत्यवतीपुर। मेरा कोई अपना नहीं है, गांव में काम की तलाश में आई हूँ। क्या काम की तलाश में आई हो बहन? क्या काम कर सकती हो तुम? मैं हर काम कर सकती हूँ, आप जो काम देंगे वो करूँगी, और खाने में जो कुछ भी देंगे वही खा लूंगी। बहन आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, आप हमारे घर में आके रहिए। बहन मेरे बेटे को जीवन दिया है, मेरे साथ रहो तुम। माते हमारे घर में आइए ना। बेटी हमारे घर आ जाओ। माजी हमारे घर में आइए ना। मैं अब सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं गांव के दुर्गा के मंदिर में रह सकती हूँ? इस गांव की रक्षा करने वाली आप साक्षात देवी स्वरूप हैं, आप मंदिर में रुक सकती हैं। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ सर्वास्ये काली प्रत्यंकिरापिते भक्त रक्षण दक्षे त्वं जगतां मंगलं कुरु मे हस्यामल देहोत्यतु दुहिति रंजित दिन्मुहे महाशरव शक्ते त्वं स्वस्तिन गुरु कालिके गुह्य काली जगत्वंद्ये श्रीमद् दक्षिण कालिके आदर्वण श्रुतिनुते शुभं प्रणमतां कुरु मधुकैटप संहात्री रात्रि सूक्त प्रवर्णिते शत्रु संहार दक्षे त्वं जय शक्ति धनोत्तमे। बहन मैं मंदिर तक जा रही हूँ, मेरे आने तक घर का ख्याल रखना। मेरी बेटी दर्द से करा रही, मेरी बेटी मैं क्या करूँ, मेरी बेटी और सबकी जान बचा लो माता। आप रो क्यों रही हैं? बेटी बच्चा घर में उल्टा हो गया है, पति वैद्य को बुलाने गए थे, अभी तक लौटे नहीं, डरती हूँ पर दोनों को कुछ हो ना जाए, डर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए कामख्या, मैं आ गई हूँ ना, आप चिंता छोड़िए और अंदर चलिए। दुर्गा माँ काली धन्य हो, मेरी बेटी बच गई। तुम सुखी रहो बेटी, पोता पैदा हुआ है। माँ माँ मैं कामख्या आई हूँ। श्री अन्नपूर्णी लोकेश्वरी माँ क्यों ये रूप धरा, शिव का मीत शिवन को भीक्षा देने वाली कृपा माँ, काशी निवासिनी करुणा कटाक्षिणी अक्षयं भीक्षय मामो, कलयुग काले भक्त शिरोमणि भिक्षा ग्रहण करने वाले माता। दुर्गा माँ काली आज दिन का दिन अच्छा बीते, भक्तजन दिल खोल के दान करें, माँ कुछ दीजिए। भगवत के मुंह में कौन डाले? अरे 5 पैसा दिया तो क्या मैं तेरा अभिषेक करूंगा?
माते जग की पालन करता चारों तरफ यानी देश के चारों तरफ आतंकवाद सर उठाए खड़ा है। इन सबको पूरी तरह खत्म कर दो और इस गोविंद का व्यापार को रुके हुए तालाब के गंदे पानी की तरह ना होकर नदी के कल 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 करते बहते पानी की तरह साफ हो। माते इतनी कृपा कर दो माते। ये लीजिए पंडित जी 10 रुपये। आप चिंता मत कीजिए, आपके अच्छे मन के लिए माँ आपको कभी तकलीफ नहीं होने देगी। आप सदा सुखी रहेंगे। जा रुकिए, मैं हार लेके आता हूँ। आपकी इच्छा दुर्गा माते। भाई जी, इसे पहन लीजिए, आज से आपकी हर मन्नत पूरी होगी। ये सब हा? आपकी प्रार्थना का फल है। देखा जाए तो हा? इस माला के असली हकदार आप हैं, जो हर वक्त आप माता की सेवा करते रहते हैं। इसे आप धारण कर लीजिए पंडित जी। अरे ये आपने क्या कर दिया, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। ये माला तो भाई आपके ही गले में होनी चाहिए। नहीं पंडित जी, ये आपके गले में ही शोभा देती है, इसे उतारी मत। सुनो भाई, ये माता जी का प्रसाद है, इसे आपको पहनना है। अच्छी बात है, मैं ले लेता हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप सच्चे मन से मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। हाँ आप खुश रहो भाई, जिंदगी भर तुम ऐश करो। ये बात है पंडित जी, जैसे आपकी इच्छा पंडित जी। पंडित जी, माता के त्रिशूल में एक नींबू लगा हुआ, क्या आप उसे मेरे लिए ला सकते हैं? लाइए ना प्लीज। अरे अभी लाता हूँ भाई। वाह वाह, क्या भक्ति है, वाह वाह। हे माते दुर्गे, ये सब तो तेरी कृपा है, तेरी कृपा। हाँ किसी ने देखा तो नहीं मुझे। अरे अरे चले गए, धार्मिक पुण्यवान थे, भगवान ने सदा सुखी रखे। हाँ ये क्या, अरे मेरे सोने से मरी रुखराज की माला कहाँ चली गई? मैंने 10 रुपए के लालच में 10,000 की माला गवा बैठा। अरे माता की घंटी बजाकर मेरी घंटी बजा जा तूने, मैं नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन हो तुम? हैसियत से बेकार है, तैराक से करोड़पति से कम नहीं हूँ। वैसे मैं एक नर्तकी हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, रूखा सूखा कुछ भी हो दे दो। रूखा सूखा क्यों? इस गांव की रक्षा करने वाली तुम्हारे लिए मैं हलवा लेकर आई हूँ। टेंटर आई। अच्छा तुम्हें हलवा पसंद तो है ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, गाँव में बहुत सारे लोगों को शक्कर की व्याधि है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसी कोई व्याधि तो नहीं है तुम्हें? व्याधि को दूर करने वाली सी पूछ रही है, व्याधि है क्या? दे बेटी। बस तुम्हारा नाम क्या है? भवानी। तुम्हें देखने से लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार देके पाला है। यूं रो क्यों रही हो? माता मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, तुम्हें देखने से अपनी माँ की याद आ रही है। क्या मैं तुम्हें माँ बुला सकती हूँ क्या? बहुत लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। बुलाओ बेटी। माँ, माँ, माँ। रो मत बेटी, मैं हूं ना। Thank you.
ये सब क्या है वेद प्रकाश? सारे संसार की वायु तक भी मेरे मंत्र के अधीन है, लेकिन आज कोई और शक्ति उसे रोक रही है। क्या करना है बोलो, तुरंत करता हूँ। ओम कंडासुर नमः। उस कमी को पूरा करने के लिए कंडासुरन एक कन्या की बलि मांग रहा है। कंडासुर की इच्छा पूरी कर, तब जाकर तेरी इच्छा पूरी होगी। जल्द ही नरबलि का प्रबंध कर। कैसे हुआ किसी को पता? ऐसा भगवान उसे कोड़ी बनाए। अरे बोले, आपको किसी पर चढ़ क्या? भगवान उसे कभी बख्शे नहीं, कभी सुखी नहीं। मतलब किसी को पता नहीं है? एसपी साहब पूछ रहे हैं, बताओ ना खुल के। मुझे मालूम है, मैं बताती हूँ। कौन है बताओ बेटी? भवानी प्रताप था। कल रात को इस लड़की को जीप में लेकर गया था, मैंने देखा। कल रात कामाख्या माँ को खाना देकर आ रही थी तब। रुकिए, गाड़ी रुकिए। मालिक मुझे बचाइए, मालिक मुझे बचाइए दया करके। तुम कौन हो, क्या हुआ? इन गुंडों से मुझे बचा लीजिए मालिक। बेचारी, उम्र में आप मेरे बड़े भाई जैसे, आप मेरी रक्षा कीजिए ना। पता नहीं क्यों इस गांव की हर लड़कियों को मैं उसके भाई की तरह दिखता हूँ। परवाह नहीं, भाई की तरह बोला तुमने। ओए, भागो यहाँ से। भाई साहब, आप तो भगवान जैसे। भगवान नहीं, तुम्हें गंडा सुनने मेरे पास भेजा है। अच्छा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैनापुर जाना है। पहुँचा देता हूँ, बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अदालत में आके गवाही दोगे? प्रताप को हथकड़ियां लगवा कर देख रही हो? शहद को दूध में डालने के बदले जहर में डाल दिया तुमने। खुश रहो। अरे टूटा। अरे ए, ये क्या प्लास्टिक का घड़ा रख के नखरे दिखा रही? जा 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 निकल यहाँ से। तू तो मिट्टी का घड़ा नहीं छोड़ता, ये तो प्लास्टिक का घड़ा है। तू किसी और गांव में जाके क्यों नहीं मरता? क्यों हमारी नींद खराब करता है? तेरे भरोसे तो एक झाड़ू तक घर के बाहर नहीं रखता। गधे जैसा मुँह है तेरा। पिछले हफ्ते मैंने पीतल का घड़ा क्या चुराया, सारी लड़कियाँ मुझे चोर समझने लगी है। गाँव वाले भोले भाले तब होशियार बन गए, कैसे काम चलाऊंगा मैं? घर देख लूंगा भाई। समय क्या हुआ है? क्या कहा? समय क्या हुआ पूछा? समय पूछ रहे हो? से क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी माँ ने मुझे घड़ी जो दी है, मैं तुम्हें बता तुम्हें। तेरी तो असले आदमी समय पूछा, तू उसे मार रहे हैं आप? अरे मेरा समय ठीक नहीं है, तुम मुझे समय पूछ रहा। आज तेरी खैर नहीं। अबे तो और समय पूछेगा, आज तेरा खून कर डालूंगा। चिल्ला मत जिंदा गाड़ के रख दूंगा मैं। मुझसे समय पूछ रहा तू? तेरी जात का बायदा मुझसे समय पूछ रहा है? मुझसे है? मेरा समय ठीक नहीं, समय पूछ रहा है ये। ए कालूराम इधर आ। क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया इसने? पता है ऐसे मुझे देख के क्या पूछा? क्या पूछा होगा इसने? ए क्या पूछा? समय क्या हुआ पूछा? बस समय पूछा। ए क्या कहा? समय पूछा। हमारे गुरु से समय पूछना है? सबको एक साथ कैसे बताओ? पूछो। ए छोटू इधर आ, ये हमारे गुरु से समय पूछता है। इससे क्या पूछा तुमने? मार, मार, मार।
समय ही तो पूछा भैया, कोई कन्या तो नहीं पूछी। ओए, कहाँ जा रहा तू? शिकारपुर। क्या करने आए हो? गाय खरीदने। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? 3000। भैया वो 3000 नहीं लेंगे ना। कहा नहीं लेगा, मैं देने वाला कब हूँ? अब तो इनकार भी कर रहा है। एक तो दो तो उस्ताद, 3000 लेके आया हूँ मैं। उसने मेरी इज्जत की धज्जिया उड़ाई है। मेरी इज्जत 3000 की है क्या? 3000 में पटा रही है। ओए, 3000 रुपए उनके लिए कम है। एक ही बात का 300 हुआ ही ना। ओए, जिंदा रहोगे तो तुम बहुत कुछ कमा सकते हो, अगर जान चली गई तो। अब उससे बात करके क्या फायदा है? हमारा ग्रुप बहुत खतरनाक है, अब जल्दी से उस्ताद, ये लो ने सब ले लिया मैंने। ये रहा कलेक्शन। ये लो भैया बैग और गमछा। सबको बैग में डालो बे। हाँ, ये लो। आज भी सब रुपया मिल जाएगा हमको। और नगदी यहाँ दो। दूसरों के माल को हड़पने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है। चलो चलो भैया, नहीं खाएंगे। ए जीवन, सादे लिबास में यहाँ आकर अच्छा नाटक कर रहा है। ए, जिस गली का नाम मैंने रखा उसी गली में मुझे हथकड़ी लगाकर मेरा जगह सही किया तूने। साहब, सुपरनर पुलिस अरेस्ट वारंट ले लिया था। ले लिया था तो कर्मवीर बनकर मुझे अरेस्ट कर लेगा? उस लड़की ने आपके खिलाफ गवाही दी, इसीलिए केस और स्ट्रांग हो गया साहब। ए, काहे का केस? भवानी प्रताप को अरेस्ट कर सकता है लेकिन उस नाचने वाले का तो कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने उसका कुछ किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। मुझे गुस्सा आ गया तो तेरा नुकसान होगा, सोच ले। उसे यूं ही छोड़ देगा या कोई चक्कर चलाएगा? ऐसी कोई बात नहीं साहब, उसे फंसाने का जिम्मा मेरा है, आप बेफिक्र रहिए। ए, बोलो मत, करो, करने के बाद मुझसे मिलना। बुलाओ से। साहब जी, साहब जी। हाँ, ये पुलिस हमारे घर कैसे आ गई भाई, क्या हुआ? साहब, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं हमारे घर? क्या करते हो तुम? साहब, हम गांव-गांव जाकर मंदिरों में गाते हैं, नाचते हैं। आप नाच गाना करते हैं या नशीले द्रव्य बेचते हैं? हम नशीले द्रव्य नहीं बेचते साहब। लगता है आपको किसी ने गलत सूचना दी है। कांस्टेबल चार्ज। साहब जी, मिल गया। साहब जी, इस कलश में नशीली पदार्थ है। अब क्या बोलते हो तुम? ये कैसे यहाँ आया साहब, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये बात कोर्ट में आके बोलना। योर ऑनर, कटघड़े में खड़े भवानी और इसका बाप प्रेम मंदिरों में नाचने गाने के बहाने गैर कानूनी काम करते आ रहे हैं मिलॉर्ड। ये दोनों घूम घूम कर इधर उधर बाजारों में नशीले पदार्थ बेच रहे हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है। मिलॉर्ड, नशीले पदार्थ से भरे हुए इस कलश को पुलिस वालों ने इनके घर से बरामद किया है और ये पदार्थ कितना खतरनाक है इसका सबूत लैब का दिया हुआ ये सर्टिफिकेट है जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। मिलॉर्ड, मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो समाज के लिए एक सबक हो। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। आप लोगों को अपनी सफाई में कुछ कहना है? साहब, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने वाले हम लोग कोर्ट में आज यहां पहली बार आए हैं। पुलिस वालों ने आपके घर से ही तो नशीली वस्तु बरामद की है। वो सब हमारे घर में कैसे आई, भगवान की कसम हम नहीं जानते। साहब, हम निर्दोष हैं, ये भगवान को ही मालूम है। इधर सुनिए, कानून को सबूत और गवाह चाहिए, आपके लिए भगवान गवाही नहीं देंगे। देखो बेटी, रोने से कोई फायदा नहीं, नशीली वस्तु तुम्हें
किसने दी ये बताओ। रो नहीं, कोर्ट को बताओ। मैंने ही दिया था, मैंने ही दिया था। आप कौन है मोहतरमा? मेरा नाम कामख्या है। जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने वाली वैद्य हूँ मैं। गांव वालों की मदद करने के लिए गांव के मंदिर में रहती हूँ। इनको नशीली वस्तु देने की वजह क्या थी? माफ कीजिए, उस लोटे में नशीली कोई दर्द नहीं। ये सब पुलिस वालों की और वकील की मिली भगत है। इसका मतलब सरकारी कर्मचारी ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसे तुम झूठा साबित करने की कोशिश कर रही हो? सच या झूठ इसका फैसला तो न्यायाधीश आपको करना होगा। जरा इस कलश को खोल कर दिखाइए। इसने जरूर कोई जादू टोना की है। ये क्या भैया, ये काम आपने किया है और दोष मुझ पे लगा रहे हैं आप? नहीं, इसमें जरूर कोई बात है। क्या है इसमें? कुमकुम और नींबू? एक झूठा मुकदमा अदालत में पेश करके बिना साक्षी और बिना आधार के एक युवा लड़की और उसके वृद्ध पिता को सरेआम अपमानित करने का प्रयास किया। वकील राज वर्मा को ये कोर्ट चेतावनी देती है और इन्हें कैद करने वाले इंस्पेक्टर जीवन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस महकमे को आदेश देती है। भवानी और उसके पिता को ये अदालत निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है। ये अदालत आज के लिए बर्खास्त होती। कली फूल बन सकती है, तिल से तेल निकलेगा। अच्छा आदमी बुरा और बुरा आदमी अच्छा बन सकता है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे हाथों से रखी नशीली पदार्थ कुमकुम कैसे बन गई? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कोई जादू टोना है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं। चुप! इसके बाद भी मैं तेरा विश्वास करूँ तो तू ही मेरा नाम भवानी प्रताप से बदल कर उल्लू का पट्टा रख देगा। चल फट। हरिया सर जी, अभी वो नाचने वाली कहां हो? अरे भाई, कैसा लड़का है, पैसे के बजाय दूध का अभिषेक कर रहा है। चलो मालिक, हम खुद परेशान हैं। जब हमने भवानी के ऊपर तेजाब फेंका तो वो दूध में बदल गया। मालिक, उस दिन कोर्ट में नशीला पदार्थ कुमकुम में बदल गया और आज तेजाब दूध में बदल गया। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई जादूगरनी है। हाँ उसे खत्म करने के लिए भेजा तो यहाँ आकर मुझे चाचा चौधरी की कहानियाँ सुना रहे हो? तुम सबको एक और मौका दे रहा हूँ। हरिया, आज के सूरज ढलने के पहले उस भवानी की मदद करने वाली वैधनी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। कौन हो बेटा? तुम रोज भीख मांग के खाना खाती हो ना, इसलिए आज तुम्हें बिरयानी खिलाने के लिए आए हैं। क्यों बे? अकेली औरत से ऐसी बात करना गलत है। गलत बात करूंगा, क्या करोगी? नहीं बेटा, मेरे गुस्से का शिकार मत बनो। तो तुम किरण बेदी हो क्या? गुस्सा आएगी तो क्या करोगे? सह नहीं पाओगे। सह नहीं पाऊंगा? वो हमें धमका के जा रही है। चलो पकड़ो, चलो।
क्या? मुझे देखे हंस रही है क्या? मैं नमूना लगता हूँ क्या? ठीक है, डरा के देखता हूँ। अरे पांव से डरी नहीं? ठीक है, पांव से डराता हूँ। ये क्या, पांव से डरती नहीं? अब क्या करें? हाँ, आइडिया हाथ। ये बुढ़िया जरूर कोई मायावी है, अब क्या करूं मैं? इस बुढ़िया को इस त्रिशूल से मार के उसकी माया को खत्म करता हूं। करना रे बुढ़िया बच के रहना रे, बच के रहना रे रे बुढ़िया बच के रहना रे। बाबरे 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 मार हो तो पीतल की आवाज, चुगो हो तो त्रिशूल ही मुड़ गए, ये सब कैसे है? क्या हुआ वेद प्रकाश? जो आई है वो साधारण औरत नहीं है, तुमसे और मुझसे बदला लेने वो कामा के माता ही आई है। क्या कह रहे हो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस कामाख्या की शक्ति का मैं आज ही अंत करूंगा। ओम कंडासुरा। ओम कंडासुरा। गाना बहुत अच्छा गाती हो। थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, तो मेरे लिए गाना गा दो। पहले तुम खाना खाओ फिर गाऊंगी। पहले तुम गाना गाओ फिर मैं खाना खाऊंगी। क्या गाऊं? अपनी माँ के बारे में गाओ। मेरी तो माँ ही नहीं है। ओम बसी, ओम बसी, ओम बसी, ओम बसी। माते, इस संसार में आप कहीं भी रहें, प्रत्येक पौर्णमी को कामाख्या मंदिर में आकर अपने भक्तों को दर्शन दें। ओम कंडासुरा नमः। हाँ, कंडासुर ने मेरी आंखें खोल दी, कामाख्या की आंखें बंद करने का समय मुझे दिखा दिया। कामाख्या हर पूर्णमासी को भक्तों से दूध अभिषेक करवाने के लिए कामाख्या मंदिर में आती है। उसकी गैर हाजिरी में हमें अपना पूजा कार्य पूरा करना होगा। ऐसा कर दिया तो इस संसार में हमसे कोई जीत नहीं सकेगा। ओम कंडासुरा नमः। माता महामाई, मेरी बेटी की कुंडली में मंगल का दोष है, विवाह की उम्र निकलती चली जा रही है। मेरी बेटी के लिए विवाह का एक एक दिन मेरे लिए एक एक युग के बराबर है। जगत माता, कन्यादान का सुअवसर मुझे कब मिलेगा? देखो भैया, भवानी की शादी की चिंता छोड़ दो,
आने वाली पूर्णमासी को भवानी के साथ जाकर कामाख्या माता का दूध से अभिषेक करना, सब ठीक हो जाएगा। लगता है माता स्वयं आदेश दे रही हैं। इस पौर्णमी को अपनी बेटी को साथ ले जाकर माता कामाख्या का मैं दूध से अभिषेक करूंगा। ओम किम भक्त ज्वाला दिवे करारा तम से प्रत्यंग्रेज मोम बट ओम किम भक्त ज्वाला दिवे करारा तम से प्रत्यंग्रेज मोम बट ओम किम भक्त ज्वाला दिवे करारा तम से प्रत्यंग्रेज मोम बट ओम। भवानी। पिताजी। आज पौर्णमी है, कामाख्या देवी के दूध से अभिषेक करके मैंने तुम्हारे मंगल दोष का निवारण कर दिया। आज के बाद जीवन में शुभ ही शुभ होगा। हाँ माता, तुम यहाँ कैसे? मेरा भी यहाँ पे आने को मन किया, इसलिए आ गई। क्या देख रही है बेटी? माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कामाख्या माँ को ही अपने सामने देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों को मैं कामाख्या लगती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं अहंकारी लगती हूँ। आपकी दवा से फायदा होता है, किंतु आपकी वाणी ही दवा है। भवानी, पौर्णमी के अवसर पर माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले लो बेटी। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी, तुम्हारी कुंडली में जो दोष था वो ठीक हो गया, अब तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाएगी, तुम हमेशा सुहागन रहोगी बेटी। दुर्गा माँ काली जय हो। अरे क्यों हंस रहे हो? गंडासुर को जगाता हूँ कहकर मेरा सारा पैसा खत्म करवा दिया, अब तुम्हारे पूजा के लिए मुझे नासिक जाकर नोट छापने पड़ेंगे। चिंता मत करो। क्यों, कोई और रास्ता है? भवानी प्रताप, मेरे हंसने का मतलब शगुनी और कंस दोनों की शक्ति मिली हुई है। तुमसे बदला लेने की ताक में जो कामाख्या है, मैं तुम्हें उससे बचाने वाला हूँ। पर कैसे? तुम्हारी रक्षा करने वाली देवी वो भवानी है। ओहो, मैं नहीं समझा, ठीक से समझाओ। कामाख्या ने भवानी को क्या कहकर आशीर्वाद दिया? तुम हमेशा सुहागिन रहोगी, तुम हमेशा सुहागिन रहोगी, ये कहकर आशीर्वाद दिया। अगर तुम उससे शादी कर लिए तो कामाख्या तुम्हें नहीं मारेगी। कामाख्या अपनी बात से मुकरती नहीं है। वेद प्रकाश, तुम मंत्रवादी ही नहीं बल्कि अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो। मैं पहले वही था, लेकिन वहाँ पावर सिर्फ 5 साल है, लेकिन यहाँ जीवन भर के लिए। ओम कंडासुराय नमः। बड़े खतरनाक हो तुम। ये सब किस लिए यहाँ लाए हैं? मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं भवानी प्रताप का मामा हूँ। बचपन में ही मैं ब्रह्मचारी और भक्ति में लीन हो गया था, इसलिए इसके लिए लड़की नहीं ढूंढ सका, लेकिन अब आपकी बेटी को अपनी बेटी समझकर इसकी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। आपके संकोच का कारण मैं समझ सकता हूं। इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और ना ही दोस्त होता है। शनि के प्रभाव के कारण भवानी प्रताप कुछ गलत काम कर दिया, लेकिन अब गुरु की दशा है, अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में आपकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। भवानी प्रताप, अपनी गलतियों के लिए इनके पैर छूकर माफी मांगो। जी। बेटा ये सब क्या कर रहे हो? बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत सताया है। ऐसी कोई बात नहीं, वो सब तो भूल चुका हूं मैं। देखिए आपकी बेटी में भी मंगल दोष है, मेरे भांजे में भी मंगल दोष है, दोनों की शादी करने से ठीक रहेगा। शादी कब रख ले? पिताजी सर यहाँ आइए तो। बच्ची बुला रही है, जाकर आइए। अब क्या होगा? गंडासुरा। क्या बात है? पिताजी वो लोग अच्छे नहीं हैं, इस शादी के लिए हाँ मत कहिएगा। बेटी भवानी, ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा, निश्चिंत रहो बेटी। अब चिंता मत कर, गंडासुर निराश नहीं करेगा। गंडासुर ठहरो बेटी।
वो बात यह है कि मैं जानता हूं भवानी ने क्या कहा है। ये मेरा फैसला नहीं है, ये फैसला मंदिर में जो वैदिनी रहती हैं उनका फैसला है। उनके कहने पर ही हम आए। क्या सचमुच उन्होंने कहा है? हाँ। कल पूर्णमासी है, आप स्वयं उनसे अनुमति ले लीजिए। अगर वो हाँ कहेंगे तो शादी अवश्य होगी। अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। भवानी पता चलो। ओम। चलता हूँ ससुर जी। ससुर भवानी, आज विशेष पौर्णमी है, आज हमें शुभ समाचार मिलेंगे। माँ, माता, मैं तुम्हें अपनी माँ समझकर एक बात। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछने वाली हो, कि उस अहंकारी आदमी के साथ कैसे अपना घर बसाओगी, यही ना? माँ, वो अच्छा आदमी नहीं है। देखो भवानी, जन्म जात से कोई भी बुरा नहीं होता है, उनका समय और परिस्थितियाँ उन्हें बुरा बना देती हैं। वो बुरा आदमी तुम्हारे कारण जरूर सुधरेगा। ये बात नहीं है माँ। हम आपको साधारण वैद्य समझकर ये नहीं पूछ रहे हैं, अपने कुल की देवी मानकर पूछ रहे हैं। जब आपने आज्ञा दे दी तो बताइए शादी कब करें? भवानी के विवाह में अब देर नहीं होनी चाहिए, आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा मुहूर्त है, आज इसी मंदिर में ये शादी होनी चाहिए। माता, मुझे तो, मैं हूँ ना बेटी, चिंता क्यों करती है, इधर आ। भवानी प्रताप, इस लड़की ने वैसे ही किया जैसे हमने कहा था, इसे 500 और दे दो। ये लो। चलती हूँ। जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। वाह, पूरनमासी को कामक्या या नहीं होगी, इसलिए नकली कामक्या से अपना काम निकाल लिया वेद प्रकाश। आज पौर्णमी है, कामाख्या माता के मंदिर में बच्चों को स्वस्थ होने के लिए भक्त आराधना करने वाले हैं। भक्तों के प्रेम में बंधी कामाख्या यहाँ नहीं आएगी और तुम्हारी शादी धूमधाम से हो जाएगी। कामाख्या वहाँ रोएगी और खंडासुर यहाँ। इसे पकड़ो भवानी, मुझे आशीर्वाद दो। जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति परमेश्वर होकर मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? क्यों नहीं छू सकता? देखो भवानी, इस बात में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। ऊपर से मैंने तुम्हारे ऊपर कितने ही जुल्म ढाए हैं, उसके लिए एक बार नहीं हजारों बार तुम्हारे पैर छू सकता हूँ। बस एक बार कह दो तुमने मुझे माफ कर दिया, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? जब देवी माँ ने ही आपको माफ कर दिया है तो मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही मैंने किसी को अपना बहन समझा। मेरा पहला प्यार भी तुम हो, पहली स्वागत भी यही है। अगर आज मैं एक इंसान बना हूँ तो उसका कारण वो वैधनी ही है। वो साक्षात देवी स्वरूप है, अगर उनका आशीर्वाद हो तो हम 100 साल तक जी सकते हैं। ना 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 ना, ना, ना। मुझे इतना भी जीने की लालच नहीं है भवानी, तुम्हारी जैसी अच्छी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक दिन बिताना मेरे लिए 100 साल के बराबर है। आओ भवानी। दीजिए गणेश, ये ले, खा ले गणेश।
खा ले। माँ ये कोई अच्छी बात है? मेरी शादी का मुहूर्त निकालकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं एक बड़े काम में फंस गई थी। अच्छा होगा कोई बड़ा काम, पहले हमें आशीर्वाद तो दो। मैं तुझे पहले ही आशीर्वाद दे चुकी हूँ और अब भी यही कहती हूँ, तू हमेशा सुहागन ही रहेगी। अब मेरे मन को शांति मिली माँ, हम चलते हैं। ठीक है चलिए। तुमने अपनी हालत देखी, जिससे तुम बदला लेने आई थी उन्हें ही आशीर्वाद देना पड़ा। यही विधि है। माता आपसे विनती है, आप सर्वशक्तिमान कामाख्या देवी, आप मनुष्य में प्रवेश कर रही हैं। मनुष्य को होने वाले सभी दुखों सुखों को आपको भी सहना पड़ेगा, विचलित ना हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं काल भैरव गंडासुर की शक्ति से तुम्हें इस गांव से भगा कर ही रहूंगा। गंडासुर की पूजा मैं सफलता से करके ही रहूंगा। ओम गंडासुरा। गंडासुर। क्या हुआ चाची, यहाँ क्यों खड़ी हैं? बेटी तुम्हारी ही राह देख रही थी। बोलिए चाची। वो भवानी प्रताप और वेद प्रकाश मुझसे किसी कागज पर दस्तखत करने के लिए धमका रहे हैं। आपकी बेटी के खून का मुकदमा चल रहा है ना, उसी के बारे में होगा। जो भी है पढ़ने के बाद ही दस्तखत करना चाची। बेटी मैं एक अक्षर तक पढ़ी नहीं, कैसे पढ़कर देखूंगी? घबराने की क्या बात है चाची, इस समय वो कहाँ है? उन्होंने पास वाली पहाड़ी की तरफ बुलाया है। चलिए। लगता है इस गौमती को हम पर शक हो गया है, इसलिए उस वैधनी को साथ लेकर आ रही है। ए वेद प्रकाश, अच्छी तरह बात करके इस कागज पर दस्तखत करा लो, बहुत टेंशन हो रही है। तुम डर क्यों रहे हो? मेरे ऊपर जो केस है उसके लिए मैं ही डरूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, गंडासुर हमारे साथ है। अरे रे रे, गंडासुर हो या बंडासुर हो मैं नहीं जानता, इस कागज पर दस्तखत लो या उसका अंगूठा लगवाओ, मुझे इस केस से बाहर निकालो। अरे पोस्ट क्या दे रहे हो, चलो। क्या बात है गोमती, कागज पर दस्तखत करने के लिए गवाही के रूप में इसे भी लेकर आई हो? हाँ मैं गवाह बनकर ही आई हूँ। चाहे कुछ भी हो चाची पढ़े बिना दस्तखत नहीं करेंगी। गोमती पढ़े बगैर दस्तखत नहीं करेगी ना? नहीं करेंगी। ठीक है पढ़ने दो, पढ़ने के बाद ही दस्तखत करना। लो पढ़ो, पढ़ो गोमती फिर दस्तखत करना। आप पढ़िए चाची, इसकी चट किस लिए, आप जरूर पढ़ पाएंगी, पढ़िए बेटी। मैं कह रही हूँ ना चाची, पढ़िए। With reference to the charges levied on Mr. Bhavani Pratap and the prime suspect in the case related in the murder of my daughter Miss Punita, I plead the authorities to acquit them of the charges. I realize that my daughter's character was not good and there could be some other reason for her death. I find no reason for Mr. Bhavani Pratap to murder my daughter as he is a respected man in our village and he is innocent. Kya Bhavani Pratap ke release ke liye main sign karun? I cannot sign this false statement. You will proceed in the court. I will meet you in the High Court either Supreme Court. Samjha? Le pakad. Tu chahe jitni bhi uchhal kood macha le, par teri maut mere haathon se hi hogi. Samjha?
100 रुपए कमा लिए सोच लूंगा। देखा भैया, हमारी गाड़ियों से पेट्रोल चुराने वाला चौटा आज पकड़ा गया। हाथों में डंडा लिए इतने सारे लोग खड़े हैं, ये लोग मेरी खिंचाई करेंगे क्या? अरे भगवान, क्या करूं? अरे ये क्या कर रहा है? भैया भैया, मुझे कोई मत बचाना, कोई मत बचाना मुझे। आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे बचाने वाले हैं। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मुझे रोकना मत मेरे भाइयों, मुझे रोकना मत। मेरी माँ 6 महीने से बीमार पड़ी हुई है और मेरी पति 7 साल से कोमा में पड़ी हुई है। आपको पता, मेरी 6 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ देख नहीं सकती और 3 बेटियाँ बोल नहीं सकती। ये गलती किसकी है? मेरी गलती है क्या? मैं क्या करूँ बोलिए? मेरी बेटी अस्पताल में है, उन्हें बचाने के लिए मैंने सेठ जी से 10 लाख कर्ज लिए और उसका भी ब्याज पड़ते ही जा रहा है। और पता है चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 45 लाख हो चुके हैं। ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं? आप भी बताइए मैं क्या करूँ? बेटियों के मरने से पहले मैंने आत्महत्या करना चाहा, मगर मरने के लिए किसी ने कर्ज भी नहीं दिया मुझे। मेरे सभी दोस्त मुझे धुतकार दिया, इसीलिए आत्महत्या करने के इरादे से मैंने किसी नए कादी की गाड़ी से पेट्रोल चुरा कर अपने ऊपर डाल दिया। भैया, मुझे आप लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं। केवल एक माचिस की तीली दीजिए, उसी तीली को जलाकर मैं यही जल मरूंगा। ध्यान रहे मेरे चलते समय आप लोग चादर या पानी न डाले मुझ पर, मेरी कहानी खत्म हो जाने दीजिए। भैया भैया, ये इंसान कितना दुखी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए भाई। सब मिलके दिल खोल के इसकी मदद करो भाई। देओ जो कुछ भी है, देओ निकालो, देओ और डालो, डालो भाई लोगों, इसकी मदद के लिए करो। समझे, तकलीफ में है बेचारा, देते रहो, आप भी डालो, दिल खोल के करो। मुझे माचिस कमी नहीं चाहिए, चलो नोट नहीं। अरे क्या करने जा रहे हो तुम? तकलीफ किस पे नहीं आती, लेकिन तकलीफ लेने के बाद क्या सब मरेंगे? खुदकशी पाप है। ये लो पैसे और अस्पताल जाओ, भगवान मदद करेगा तुम्हारी, चिंता मत करो। ये पूरे 4000 रुपए हैं, ये लो जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, सब अच्छा है। मुझे माचिस की तीली चाहिए, नोट नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मैं तुम्हें कैसे मरने दूंगा? ये लो जाओ। अरे भैया क्या देख रहा हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारा भला हो जो तुमने किता का इतने सारे पैसे दिए। भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें खुश रखे। ए भैया, कोई कॉल टैक्सी बुलाओ मेरे लिए। आओ माता, यहाँ पे क्यों खड़ी है बेटी? माता, मेरे घर में लक्ष्मी पूजन है, आपको हर हाल में आना होगा। बेटी, तुमने बड़ा अच्छा गाना गाया, तेरा गाना सुनकर मन गदगद हो गया। हाँ माँ, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, आप सुहागनों को कुमकुम और साड़ी दे दीजिए। माँ जरा रुको बेटी, हम जैसी सुहागिनों के मंगलसूत्र पर कुमकुम लगाकर साड़ी देने के लायक भी है ये। लक्ष्मी चाची, इनके बारे में क्या कह रही हैं आप? लक्ष्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये खुद कौन है? इसका पति कहाँ है? ये सधवा है या विधवा है? ए मौसी, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, इसने पूछा उसमें गलत क्या है? हाँ हाँ, वो कहती है वो सही तो है ना। कुमकुम देने वाली ये कौन होती है? लक्ष्मी का पूछना कोई गलत नहीं है, ये कौन है कुमकुम देने वाली? तुम अच्छी आदमी की भूमिका निभाओ। क्या बोली? कुमकुम देने वाली ये कौन है? तुम क्या यहाँ की कोई नेता हो? हाँ, अपने फायदे के लिए दल बदलू नेताओं की तरह बातें कर रही हो? भूल गई, हैजे से तुम्हारी बेटी जब मर रही थी तब इन्होंने ही उसकी जान बचाई थी, उस दिन ये सवाल क्यों नहीं किया? क्यों चुप थी तुम? अच्छी तरह पूछिए इनसे। एहसान फरामोश। ए बुढ़िया, उस दिन तुम्हारा पति मरने वाला था तब इन्होंने ही दवा देकर उसे बचाया था। दवा लेते वक्त पूछना था ना तुम सुहागिन हो या नहीं, अभी क्यों पूछ रही हो? क्यों, ये देंगी तो तुम लोग कुमकुम और साड़ी नहीं लोगी क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरी बात
आप सब लोग कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। इनके हाथों से साड़ी लोगी तो आप लोगों को पुण्य मिलेगा, और जो लेने से इनकार करेगा उसके साथ ये भवानी प्रताप बड़े प्यार से पेश आएगा। ठीक है क्या? अच्छा अच्छा। सपने इस तरह की बात की ये सोचकर दुखी हो रही हो? मुर्गी के पीछने से उसके चूजों को कुछ नहीं होता, लेकिन चूजों के पीछने से मुर्गी को परेशानी होती है तो दुख होता है। इन लोगों से गलती हो गई माँ, इन्हें क्षमा कर दीजिए, साड़ी और कुमकुम दे दीजिए माँ। गलती कोई भी करे, क्षमा तो मैं ही दूंगी। आओ आओ सब चलो। साड़ी और कुमकुम आपके लिए है। इस तरह से क्या देख रही है माँ? दे बेटी दे। तू सदैव खुश रहेगी बेटी। भवानी प्रताप जैसे शेर ने तुम्हारी तरफ दाली लेकर बात तो किया, वो तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, तुम्हारी भक्षण के लिए। छलांग लगाना गलत नहीं होता, परंतु यदि उस स्थान पे अग्नि हो तो तुम जल जाओगे। बापरे, बड़े मुश्किल से तपस चुरा के लाया हूँ। बापरे, देखते हैं नसीब में क्या है। चरवाहे का डब्बा जो है खोल के देखता हूँ। अबे उल्लू की तुम, कल ही तुमने पूछा कि राजमा चाहिए तुम्हें, मिल गया ना? अरे गोविंद, ये कामाख्या माँ की महिमा है, खा ले आराम से खा ले। कौन वैद्य माँ, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कामाख्या माँ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? घर घर जाके काम करती हो, तुम्हारी भूख मिटाने वाला कोई नहीं है, रात को भीख भी मांगती हो। अच्छा तुमने कुछ खाया क्या? तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि तुमने कुछ खाया नहीं। एक काम करते हैं, इसे आधा आधा बांट लेंगे हम। चलो, पहला निवाला तुम और दूसरा मैं। क्या सोच रही हो? मुझ जैसे चोर और चक्के भिखारी के हाथों का खाना तुम्हें पसंद नहीं है ना? किसी भिखारी कह रहे हो? यहाँ कौन भीख नहीं मांगता? जिसके पास कुछ नहीं है वो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, और जिसके पास सब कुछ है वो मंदिर के अंदर भगवान के पास जाकर उनसे भीख मांगता है। देखा जाए तो इस संसार में हर कोई भिखारी है। बाप रे, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अनपढ़ क्यों हूँ। ये लो खाओ खाओ खाओ, एक और निवाला खा लो, उसके बाद मैं खाता हूँ। हाँ और चाहिए? बस हो गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? हिचकी आ रही है, पानी भी नहीं है। अब क्या करूं मैं, नदी या नहर के किनारे बैठकर खा लूंगा मैं। अब आज्ञा दीजिए मुझे। अरे मैं भी आपकी तरह हूँ, ज्यादा खाना नहीं खाता, सिर्फ दो ही निवाले खाता हूँ। अच्छा चलता हूँ मैं। इसे बहुत ही कीमती पायल है, अगर इसे चुरा लिया तो काफी माल मिलेगा। कामाख्या, पेट भर के खा लिया ना, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम सो जाओ, मैं हवा करता हूँ। हाँ हवा करता हूँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अच्छी नींद ले लो। पाँव दबा रहा हूँ मैं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सोई नहीं, ऊपर से ये पायल भी पल पल खनक रही है।
अरे बजर बटन से कैसे चुराऊंगा मैं? हैं? सोई नहीं क्या? किसी के लिए खाना खिलाया था, ले ली। अरे रे, ऐसी बात नहीं है, वैसे मुझे अकेले खाने की कोई आदत नहीं है। सच बताओ कामाख्या, ये मेरी खानदानी आदत जो है, ये बात अलग है वो अलग है, इसे लेके जमीन ज्यादा थोड़े खरीदूंगा मैं। अरे कामाख्या, पापी पेट का सवाल है। एक और बात, चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया, किसी और से मत बताना ये। अगर बता दी तो भिखारिन की झोली से चोरी की कह के गांव की सारी औरतें मेरे मुंह पे ठोकेंगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी इज्जत का सवाल है। चोरी करना गलत नहीं लगता है? देखा, उपदेश कुछ ज्यादा ही दे रही हो। थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि चोरी क्यों करना, इतनी जल्दी भूल गई क्या? ये गलत बात नहीं है क्या? अरे मैंने खाना क्या खिलाया, तुम कामाख्या माँ की तरह उपदेश देने लगे हो। माँ कामाख्या के दर्शन होंगे तो चोरी करना छोड़ दो। कामाख्या माँ का दर्शन होगा? अरे रे, तुम्हें तो वैद्य नहीं समझा था, तुम तो पूरी तरह से पागल हो गए हो। यहाँ तो वोट लेने वाले एमएलए के दर्शन नहीं होता है, तो कामाख्या माँ का दर्शन कैसे होगा? देखो कामाख्या, इस कलयुग में भगवान के पूजा कर सकते हैं, लेकिन दर्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों पागल जैसी बातें कर रही हो? दर्शन मिलते ही चोरी करना छोड़ोगी? हैं? क्या? ठीक है, तुम दर्शन करा दो, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, तुम माता को देखा, इस बात को किसी को नहीं बताओगे, ऐसा मुझे वचन दो। इतनी शक्ति है तुम में? ठीक है, तुम्हारी कसम, इस कामाख्या माँ की कसम, इस भोजन की कसम खा के कहता हूँ मैं, माँ के दर्शन के बाद मैं चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कामाख्या माँ की कसम। वहाँ देख। कहाँ देखने के लिए बोल रही हो? मूर्ति को देखो। तुम्ही मनुष्य का रूप धारण करके इस गांव में विचर रही हो। मैंने तुम्हें भिखारन कहा, कितना बड़ा पापी हूँ मैं, पापी हूँ। माते कामाख्या माते, आज तुमने इस पापी को दर्शन देकर सद्बुद्धि दे दी, माते सद्बुद्धि दे दी। माते क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं गांव गांव जाकर जहाँ तुम्हारा मंदिर है वहाँ जाकर गुणगान करूंगा, मेरे पापों का उद्धार हो जाएगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। कामाख्या माते। तकिया सर्पों का है शैया नीम के पत्ते, बैठा हूँ माताओं से लोरी सुनाने को, किसी भी सपूत को ऐसा वर मिला नहीं, आनंद पूरा मिला सुबह चल के नहीं। माई महामाई का सभाग मुझे है मिले, इन श्री चरणों में हम मन को बसा ले माई, चंदन और फूल से बनाओ माँ के झूले, माता तुम इसमें सुख भरे नींद लो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जब तक ये कामाख्या गांव में है, हमें अपनी पूजा नहीं करने देगी। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और तुम खुद कामाख्या से डर रहे हो। उसके पैर में जो चक्र है, इस भूमि को घूमने से रोकने की शक्ति उसमें है। ओह, इतनी शक्तिशाली औरत को तुम इस गांव से कैसे भगाओगे? तुम ये काम करो। कैसी बातें कर रहे हैं? माँ के गहने कौन चोरी कर सकता है? अरे माँ के गहनों को चुराने की कीमत कितनी है जरा बताइए।
तुम सब लोग चुप रहो। पुजारी जी, मंदिर के गहने कैसे चोरी हो गए? मंदिर के गहने कैसे गायब हो गए मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं रात को द्वार बंद करने जा ही रहा था, वैद्यनी ने कहा मंदिर के द्वार को बंद मत करो, मैं यहाँ रखवाली के लिए हूँ, इसलिए मैं द्वार बंद किए बिना आ गया। कैसा अनर्थ कर दिया। मतलब वैद्यनी ने चोरी की है ना? हाँ भैया, जब गहने की चोरी हुई थी तो ये वैद्यनी वही थी ना। ये देखिए, मौका मिलते ही जो बात मन में है वैसी बातें मत कहिए। ये कामाख्या माँ ऐसी नहीं है। भवानी, शक हो जाए तो सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं। नहीं, लेकिन ये, अरे इनके बारे में तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन इन्हें देखो चुप खड़ी है, शक तो होगा ही लोगों को। क्यों माँ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, पत्थर की मूरत की तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम उन गहनों के बारे में कुछ जानती हो? बोलो माँ, बोलो ना, चुप रहने का क्या मतलब है? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देती हो? अरे जवाब दो, हम पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। खामोश क्यों हो, जवाब दो ना बेटी, जवाब दो। पूछ रहे हैं ना, अरे जवाब दो, जवाब। बोलो माँ, कुछ तो बोलो, तुम्हारे चुप रहने के कारण मुझे शक हो रहा है। गहनों की लालच में तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? क्यों बेटी, जब तुमने ही मुझ पे संदेह प्रकट किया तो मैं सफाई किसे दूंगी? चोरी नहीं है। अरे सुनिए, जवाब दो। तुमने इन्हें चुराते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना? मैं कहता हूँ ये निर्दोष हैं। भवानी, तुम जाकर इनका सारा सामान यहाँ लाकर सबको दिखा दो। तुम्हें ही साबित करना होगा कि इन्होंने चोरी नहीं की। जाओ। एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगा रहे हैं सब लोग। खोल के दिखा दो भवानी, सब लोग देख लो। ये एक पुरानी साड़ी है, एक सॉल, एक और साड़ी है, और ये उफ़ उफ़, देखिए आप लोग, देखिए देखिए देखिए, देख लिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करना ही होगा। आपने आपने चोरी की? मंदिर के गहने चुराने के लिए इस गांव में तुम आई हो ना? इसने गहनों की चोरी की है, इसे पुलिस में पकड़वा दो। हम आप पे इतना विश्वास करते थे, आपने ऐसा काम क्यों? मंदिर के गहने चुराने वाली को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर तुमने मेरे जेवर मांगे होते तो मैं सारे जेवर दे देती, लेकिन इस तरह चोरी करके तुमने मुझे धोखा दिया। भवानी, ये सब तुम्हारे पति का नाटक है। नाटक नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगी। अब फंस गई हो तो मेरे पति का नाम ले रही हो। तुमने कहा था यहाँ किसी काम से आई हो, क्या यही वह जरूरी काम था? इस गांव की परंपरा के अनुसार जो भी चोरी करता है उसे मंदिर के सामने खड़े करके कोड़े मारे जाते हैं, उसी तरह इसे भी मार कर गाँव से भगा दो। हाँ भाई, कोड़े लगा दो। हाँ, कोड़े मारो। नहीं, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने चोरी की, लेकिन हम इन पर हाथ नहीं उठाएंगे। पर हाँ, इन्हें हम जरूर इस गाँव से निकाल देंगे। ठीक है, इसके बदले आप कोड़े खाने के लिए तैयार है क्या? चाचा, मैं तो जनता का सेवक हूँ, अगर लोगों की यही इच्छा है तो मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ। कोड़े मारो, मारिए पुजारी जी। रुकिए, दूसरों की गलती की सजा मेरे पति को क्यों मिले? अजय बहुत हो गया, इनके लिए जो त्याग आपने किए वो बहुत है। इन्होंने चोरी की है तो दंड भी इन्हीं को मिलना चाहिए। आप इधर आ जाइए, इधर आओ। कंडासुरा। बस करो, बस करो, इससे ज्यादा सहन नहीं होता, मेरा मतलब ये नहीं सह पाएंगी ज्यादा मार। बस करो भवानी, बस करो, दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ आप जाइए, दर्द सहन नहीं होगा, आप जाइए।
गांव में जिस काम के लिए आई थी वो काम नहीं हुआ, वो काम अधूरा रह गया। और अब जब मैं ये गांव छोड़ के जा रही हूँ तो उसका कारण भी तुम ही हो। और अगर मैं इस गांव में वापस आई तो उसका कारण भी तुम ही होगी। जब तक तुम अपने मुंह से माँ कह के नहीं बुलाती मैं वापस नहीं आने वाली। माँ मैं भूल कर भी तुम्हें अपने सपने में भी नहीं बुलाऊंगी। मेरी कुल देवी कामाख्या माँ की सौगंध, चली जाओ, आइंदा इस गांव में मत आना। क्यों बेटी, कबूतर से शांति सीखनी चाहिए, कौवे से एकता और कुत्ते से एहसानमंद होना, ये बातें तो तुमने सिखाई, पर क्या इंसान से सीखने के लिए कुछ भी नहीं है? मैं कोई उपदेश नहीं सुनना चाहती, तुमने तो माँ के गहने ही चुरा लिए, अब तो मैं तुम्हें सपने में भी नहीं देखना चाहती हूँ। चली जाओ भगवान के लिए यहाँ से, चली जाओ। नई आदत? गंदा सर, पुरानी आदत है, हमारे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है परंपरा ये। क्या देख रही हो? सुहाग रात वाले दिन जो अच्छा पति था उसे आज क्या हो गया ये सोच रही हो? वो तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए नाटक किया था मैंने। क्या बोल रहे हैं? शराबी नशे में भी सच बोलता है। जानती हो इस नाटक का निर्माता और निर्देशक कौन है? मंत्रवादी वेद प्रकाश और मैं। इस कहानी की नायिका तुम हो, इसके सारे पात्र को तुम जानती हो सिर्फ एक के अलावा। उसके बारे में अब तुम शौक से जान सकती हो क्योंकि उसे अब हमने इस नाटक से निकाल फेंका है, और वो है तुम्हारी वैधनी माँ। जानती हो वास्तव में वो कौन है? काली त्रिशूल धारणी महाशक्ति, इस संसार का पालन करने वाली साक्षात तुम्हारी कामाख्या माता है। मैंने कौन सा धन लूट लिया जो मुझे इस पाप में फंसा दिया? आज तक ये भवानी प्रताप किसी के सामने झुका नहीं था, लेकिन तुमने हथकड़ियां लगवाई, मुझे कारावास की सैर करवाई, इसलिए। तेरा पति कितने बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, इस देश पर राज्य करना चाहता है। अपने पति की सहायता करने के बदले तुम मंदिरों में जाकर देवी की पूजा करके मेरे लक्ष्य में बाधा खड़ा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज से तुम भी मेरे साथ गंडासुर के यज्ञ में चलोगी, कामाख्या को भूल जाओ, आज से तुम भी मेरा साथ दो, समझी? भोग लिया, ये और भी भोगता बाकी है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी और ये कभी नहीं होगा। भूमि में पैदा हुए फूलों की सुगंध का एहसास किया है तुमने, अब उन्हीं फूलों को शोलों में बदल के दिखाऊंगी तुम्हें। मैं मर कर भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। बहुत खूब। मुझे लगा था तुम अच्छा नाच लेती हो, लेकिन तुम तो संवाद भी अच्छी बोल लेती हो। इस गाँव में गलती करने वालों को कोड़े से पीटा जाता है, पति की बात न मानकर तुम भी गलती कर रही हो, अब तुम सजा भुगतो। मारो, जितना हो सके मारो, तुम्हारी बात में आकर पाप किया है। उस देवी के साथ मैंने जो अन्याय किया है उस अन्याय के लिए ये दंड कम ही होगा। मारो और मारो और मारो मुझे। मुझसे
तुझे पालने के लिए और तेरे बाप को पैदा करने की गलती की मैंने की, मुझे मार बेटा। अगर इसे मत बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरे बाप को तुमने ही पैदा क्यों किया, मुझे क्यों पाला, मेरी पत्नी का सपोर्ट क्यों कर रही हो? सुन ए बुढ़िया, तेरी बात मानकर इसे नहीं छोड़ रहा हूँ, ये एक दिन का नाटक नहीं है, रोज रोज का कार्यक्रम है। मेरी बात नहीं मानी तो हर दिन यही नाटक होगा। कभी नहीं बुलाऊंगी, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेरी एक बात सुन ले भवानी, जब तक तू माँ कह के मुझे नहीं पुकारती मैं नहीं आने वाली। मैं नहीं बुलाऊंगी, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें आना ही होगा माँ। वो कैसे आएंगी, जब तक तू माँ कह के नहीं पुकारेगी वो नहीं आएंगी, और माँ कह के नहीं पुकारूंगी ऐसी तूने उनपे शपथ ली थी। माँ तो क्या मेरे पति मंत्रवादी के साथ जो अष्टकर्म पूजा कर रहे हैं उसे रोक नहीं सकते? क्यों नहीं रोक सकते, तू माँ कह के पुकारेगी तो वो आएगी और अधर्म का विनाश करेगी, तुम दोनों की ही शपथ नहीं टूटेगी, उसे तेरी पुकार पे जरूर आना पड़ेगा। तू प्यार से एक बार पुकार तो। इस दुनिया में जितने भी लोग तंत्र मंत्र जादू तोहने करते हैं उन्हें मिटाने के लिए वो जरूर आएगी, भद्रकाली का रूप धारण करके आएगी। आने वाली पूनम की रात को जो नींबू मैं तुझे दूंगी वो भद्रकाली के मंदिर के सामने जो त्रिशूल है उस पे लगा और उसके सामने अपनी झोली फैला, तेरी झोली खाली नहीं भेजेगी। क्या हुआ डॉक्टर? मुबारक हो मिस्टर भवानी प्रताप। क्यों, आपके घर में कोई खास बात हुई है? नहीं, आपकी पत्नी गर्भवती है। एक खास बात और, आपकी पत्नी बहुत कमजोर है, कोई कठिन काम ना करें, खासकर कोई सीढ़ियां चढ़ने ना दें। मेरी बात नहीं मानो तो बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, चिंता मत कीजिए, जरा ध्यान रखना बस। हाँ डोंट वरी, मैं दवाई लिख दिया हूँ, समय पर देते रहिएगा बस, ठीक है? ये तो डॉक्टरों की आदत है, अच्छी खबर के साथ बुरी खबर भी देते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता उसे अच्छा खाने के लिए कहते हैं, जिसके पास सब है उसे कुछ भी खाने से मना करते हैं। जो पेट से है उसे बधाई न देकर पति को दे रहा है। फॉरेन कंट्रीज में
शराब का गिलास तोड़कर खुशी मनाते हैं। मुझे नहीं पता ये अच्छी या बुरी खबर है। तुम्हें वारिस चाहिए या राज चाहिए? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? राजनेता को वारिस नहीं होना चाहिए। अगर वारिस होगा तो राजनीति में नहीं रह सकता। तुम्हारा मतलब सिर्फ निर्वंश लोग ही राजनीति में रह सकते? भवानी प्रताप, ये मजाक का समय नहीं है। हम इस समय रणभूमि में हैं। याद रखो, तुम्हें इस समय मोह माया से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हुकूमत नहीं कर पाओगे। मुझे अब क्या करना होगा बोलो। जब हम ये काम कर रहे हैं उस समय तुम्हारे घर में बच्चा नहीं आना चाहिए। जब हम असुर शक्ति को जगा रहे हैं, अगर उस समय तुम्हारी पत्नी के गर्भ में देवी शक्ति बढ़ने लगी तो वो तुम्हारे लक्ष्य। बस, मेरे लक्ष्य की राह में जो कोई भी आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेद प्रकाश, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या देख रही हो कि जो पति आज तक तुम्हारे नृत्य का मजाक उड़ाता था वो खुद आया है? आज तक तुमने पैसों के लिए कई जगह नाची होगी, मंदिरों में, बाजारों में, मेलों में। आज अपने पति के लिए तुम यहाँ नाचोगी, क्या सोच रही हो? यही कि डॉक्टर ने कहा ज्यादा हिलडोल करने से पेट में बच्चे को खतरा होगा। बच्चे का प्यार नाचने से रोक रहा है। अगर बच्चे का प्यार सच में रोक रहा है तो एक काम करो, गायत्री मंत्र को छोड़कर गंडासुर पूजा के लिए अथर्व मंत्र का जाप करो। फैसला कर लो, देवी के लिए गायत्री मंत्र या अपने पति की सफलता के लिए राक्षसी मंत्र। अरे रे रे, खूब, बहुत खूब, कितना घमंड। अपना बच्चा छोड़ सकती है पर गायत्री मंत्र नहीं। जस्ट अ मिनट। तो तुम नाचने के लिए तैयार हो गई? ये भवानी प्रताप वो नहीं करेगा जो तुम समझती हो। कहानी में एक ट्विस्ट है। आज तक तुम हिंदुस्तानी संगीत पर नाची हो पर आज तुम वेस्टर्न म्यूजिक पर नाचोगी। पता है क्यों? क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक में कमर ज्यादा। आपने ख्याल रखने को कहा था, मैंने भी पूरा ख्याल रखा। सीढ़ियों से बेचारी गिर गई, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। आप फील मत कीजिए, जो भी हो खुलकर बताइए, मैं सह लूंगा। वो बात नहीं है प्रताप जी, कभी कभी विज्ञान से बढ़कर कुछ चमत्कार होते हैं तब भगवान होने का एहसास होता है हमें। आपके पत्नी सीढ़ी से गिर गई थी ना, मगर बॉडी कंडीशन के हिसाब से वो और उनके बच्चे दोनों का बचना मुश्किल था, लेकिन दोनों सही सलामत हैं। गॉड इज ग्रेट, यू आर ए लकी पर्सन। चलता हूँ भवानी प्रताप। ये क्या, मैं कुछ सोचता हूँ कुछ और होता है, कहीं दैविक शक्ति बढ़ तो नहीं रही है? ना ना, मुझे गंडासुर की शक्ति पर पूरा भरोसा है। ओम गंडासुरा आवाह्यामि, ओम गंडासुरा आवाह्यामि, ओम कंडासुरा 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 आवाह्यामि। क्या बात है, आज सारे गांव वाले मेरे घर एक साथ आए हैं? बोलो क्या बात है साहब। कल माता के मंदिर में उत्सव है, इसीलिए हम आपसे चंदा लेने के लिए यहाँ आए हैं। सुनो, पहले ही कहा था माता के मंदिर में कोई उत्सव नहीं होगा,
मैं अपना फैसला कभी नहीं बदल सकता। माता का उत्सव नहीं मनाएंगे तो गांव पे विपता आएगी। भवानी प्रताप को बकवास सुनने की आदत नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम लोग अपना फैसला सुनाओ। हमने आपको अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया। मैं सहमत नहीं हुआ तो मजबूरन आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आसमान से उतर कर माता आ रही है क्या इस उत्सव के लिए? ये उत्सव जरूर होगा, इसमें गलत क्या है? इस साल उत्सव जरूर होगा, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं इस उत्सव में खुद खूब नाचूंगी। बेटी तुमने जो कह दिया यही हमारे लिए खुशी की बात है। मालकिन ने कह दिया ना, अब उनके कहे अनुसार ही कीजिए। जाइए जाइए, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, चलो जाने मन, चलो अंदर तो चलो। क्यों, मेरे मना करने के बावजूद तुमने गांव वालों को मेरे ही सामने उत्सव मनाने के लिए कहा और ऊपर से उत्सव में नाचने का ऐलान भी कर दिया? हाँ, मैं जरूर नाचूंगी। और मैं रोकूं तो? आप नहीं रोक सकते। मैं 5 साल की उम्र से देवी के लिए नाच रही हूँ और मरते दम तक नाचूंगी। उसने जन्म दिया है, जब तक प्राण रहेंगे उसके लिए नाचूंगी मैं। आखिर तुम्हारा फैसला क्या है, बोलो। जब भी मैं पायल बांध लेती हूँ तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा पति भी ऐसा ही है, गुस्से में अगर पिस्तौल उठा लिया तो सामने कौन है ये नहीं देखता, भून कर रख देगा। तागो, तागो। सिर्फ त्रिशूल से डरती हो, पिस्तौल से नहीं? तागो। अकेले बैठकर शराब पीने के लिए लाखों खर्च करके बना इस बार को तुम्हारी भक्ति के चक्कर में मैंने तोड़ डाला। क्यों जानती हो? ताकि तुम बाहर जाके ताथैया करके ना नाचो, समझी? ए, कौन है उधर? जी मालिक। बादाम खीर खिलाओ इसे, ताकि मेरे टॉर्चर्स ये मर ना जाए और ना ही ये मुझे बताए बिना इस घर से बाहर जाए। इसे रूम में बंद कर चाबी संभाल कर रखो। जाओ जाओ जाओ। माँ कामाख्या माँ, ये उत्सव सफलता के साथ संपूर्ण हो। जय महाकाली। गांव के मंदिर में त्योहार के लिए झंडे लगा दिए गए हैं। गांव के लोग भले ही मन्नतें मांगे, हमारी पूजा को कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम्हारी पत्नी उसे नहीं बुलाती। वो यहाँ नहीं आएगी और तुम्हारी पत्नी ने कामाख्या की कसम खाई है कि उसे नहीं बुलाएगी। कसम से बंधी कामाख्या यहाँ नहीं आएगी। हमारे गंडासुर शक्ति से पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। गंडासुर की शक्ति के सामने देवी शक्ति हारने वाली। ओम कंडासुर, ओम कंडासुर नमः। जब तक तू अंतर्मन से माँ कह के नहीं पुकारती, मैं नहीं आऊंगी बेटी। मैं उस कामाख्या देवी की सौगंध खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। Thank you.
तुम्हारे गंडासुर को मार दिया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने शिव से वरदान लिया है। हे काली, तुम मुझे इस जन्म में खत्म कर सकती हो, लेकिन मैं अगले जन्म में गंडासुर की शक्ति को फिर से जीवित कर दूंगा। इस जन्म में ही नहीं, तुझ जैसे पापी इस धरती पर जितनी बार भी जन्म लेंगे उतनी ही बार जन्म लेगी ये कामाख्या देवी। शांति स्वरूप नहीं थी मैं, मुझे भद्रकाली बनाया तूने, तुझे छोड़ने के लिए कह रहा है? नहीं, मैंने तुम्हारा मंदिर बनाकर पूजा कराया है, मुझे छोड़ दो। निर्धनों को लूटकर मेरे लिए मंदिर बनवाकर अगर तूने कुंभाभिषेक करवाया तो तुझे छोड़ दूंगी। मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया, मुझे छोड़ दो। अपनी गर्भवती पत्नी को तूने इतनी पीड़ा दी थी, तुझे छोड़ दूं मैं? मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया, मुझे छोड़ दो। भाग, जितनी दूर भाग सकता है तू भाग। मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, मेरा पैर नहीं चल रहा है। अपने भक्त को माफ नहीं करोगे क्या? मुझे माफ करो। जैसा देश द्रोही और लोगों को पीड़ा देने वाला मेरा भक्त ना हो तो ही मेरे लिए उत्तम है। जो लोग निर्धन का साथ देते हैं ये कामाख्या उन्हीं का साथ देती है। तू जैसे दुष्टों को क्षमा नहीं मिलती। माँ, मेरा पति बुरा है, इसको क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या पाप किया है जो मैं इस दुनिया से अभागन बनकर जाऊँ? इसने क्या पाप किया है जो पैदा होते ही पाप को खो दे? दुनिया में सबसे बड़ा गुण क्षमा करना है। अगर तू ही क्षमा नहीं करेगी तो संसार के बाकी लोग कैसे क्षमा करेंगे? माँ, तुमने जो मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया था वो झूठ नहीं होना चाहिए। माँ, मेरे पति ने जो पाप किया उसके लिए दंड काफी है, उन्हें माफ कर दो। माँ, एक लड़की पे कितने भी कष्ट क्यों ना आए अगर वो हिम्मत से उनका सामना करे तो जीत सकती है। तूने धर्म की रक्षा की है इसीलिए तेरे पति के प्राण बच गए। तुम्हारी जीत हर उस लड़की की जीत है जो अपनी सतीत्व को कवच मानती है। तुम्हारे पति का अंत संसार के सभी दुष्ट लोगों के लिए एक पाठ होगा। तुम्हें जो चाहिए मांगो भवानी। माता, तुमने मानव रूप में आकर हमारे साथ रूखा सूखा खाकर हमारे सुख दुख में शामिल हुई हो, इस सौभाग्य से ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। माता, इस संसार में जब भी अधर्म सर उठाने लगे तब तुम मानव रूप लेकर उसका नाश करना। माता, तुम पर विश्वास करने वालों का विश्वास सदा जीतना चाहिए। तुम्हारे शांत रूप की पूजा मैं आजीवन करना चाहती हूँ। माँ,